गाइस, माय नेम इज कशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयरएवर यू आर। इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर व्हिच इज फेस्टिव सीजन। ये मेरा फेवरेट टाइम है बिकॉज बैक टू बैक कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे फेस्टिवल आते रहते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, फिर दशहरा, दिवाली, फिर वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा। ऑफकोर्स हम सबको एक दूसरे के फंक्शंस में जाना होगा, कुछ वेडिंग होगी, इवेंट्स होंगी, पार्टीज, गेट टुगेदर। सो ये ऐसा टाइम होता है हम सब चाहते हैं हम ग्रूम्ड अप लगे, हमारी बॉडी एकदम शाइनी शाइनी लगे, हमारा फेस एकदम ग्लो करे, हमारे बाल बहुत हेल्दी लगे। सो मुझे लगा एक मैं फुल बॉडी ग्लो वीडियो बनाती हूँ कि आप घर बैठे बैठे कैसे फुल बॉडी ग्लो अप कर सकते हो। आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप सैलून के कंपैरिजन में घर पर ही अच्छे रिजल्ट्स भी ले सकते हो। सो या मैं सब कुछ इंक्लूड करने वाली हूँ, फ्रॉम स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, मैनीक्योर, पेडीक्योर। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, बट आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बैक टू बैक आपके लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाऊँ। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू हेयर, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, बिकॉज आई मेक सम रियली नाइस इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट and review for you guys. So yeah, without any further ado, let's get started. Let's start with face glow up, because hum sab chahte hain is time pe hamara face ekdam glowing, healthy aur shiny lage. So uske liye main karti hu masking. Usually hum daily basis pe apna skin care routine to follow karte hain, wo to main apni videos mein aapko dikhati rehti hu, to main skin care routine aapko nahi batane wali. I'm just gonna tell you a very nice face mask jo main khud lagana prefer karti hu jab mujhe tanning ho jati hai ya fir aisa lagta hai skin dull hai ya fir bahut zyada clogged feel hoti hai. Sabse pehle aapko kya karna hai, acche se face wash karna hai taki aapki skin अच्छे से क्लीन हो जाए, कोई भी डर्ट गंक नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले कुछ सनस्क्रीन मेकअप लगाया है तो आप डबल क्लेंजिंग भी कर सकते हो, माइसलर वाटर या फिर ऑयल क्लेंजिंग के बाद फेस वॉश कर लेना ताकि अच्छे से आपकी स्किन क्लीन हो जाए। नाउ बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए अगर आप एकदम पार्लर जैसा ग्लो चाहते हो घर पर, तो सबसे पहले स्टीम ले लो। अब अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी में टॉवल डिप करो अच्छे से, ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए बिकॉज आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, इतना गर्म कि आपकी स्किन थोड़ा सा झेल पाए। टॉवल को डिप करके स्क्वीज कर लो और टॉवल को अपने फेस के ऊपर रखो, उससे क्या होता है आपके सारे पोर्स ओपन अप हो जाते हैं। स्टीम लेने के बाद आपकी स्किन एकदम रेडी हो जाती है मास्किंग करने के लिए। सबसे पहले मेरे ओजी फेवरेट मुल्तानी मिट्टी मास्क के लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी। ऑफ कोर्स मेक श्योर ये अच्छी क्वालिटी की हो। मैं अमेज़न के कुछ प्रोडक्ट्स नीचे लिंक कर दूंगी मुल्तानी मिट्टी के, जो मुझे पर्सनली पसंद है। अच्छी फाइन क्वालिटी की मुल्तानी मिट्टी होगी ना, तो उसमें वो स्टोन्स नहीं होंगे, हार्श पार्टिकल नहीं होंगे, तो आपकी स्किन को छिलेंगे नहीं। ये पर्टिकुलर फेस पैक एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी एकदम सेफ है बिकॉज इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो एक्ने को एग्रीवेट करेगा या फिर इरिटेट करेगा। काफी स्मूथ और सॉफ्ट पेस्ट ये बनता है। तो मुल्तानी मिट्टी ली, अच्छी क्वालिटी की, उसके अंदर डाला थोड़ा सा एलोवेरा जेल। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट करता है आप तभी डालना, आपका जो भी फेवरेट एलोवेरा जेल है आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर मैं डालती हूँ रोज वाटर ताकि अच्छी ग्लोइंग स्किन बने, और ठंडा ठंडा रोज वाटर डालना जो फ्रिज में रखा हो। कूलिंग होगा ना मास्क, तो आपकी स्किन को और अच्छे से कामिंग और सूदिंग इफेक्ट देगा। उसके बाद मैं डालती हूँ हनी, बिकॉज मुल्तानी मिट्टी जो फेस मास्क होता है वो थोड़ा सा ड्राई जल्दी हो जाता है, हार्ड हार्ड फील होता है, उसकी वजह से आपको फाइन लाइंस भी आ सकती है। तो इसलिए मैं हनी डालती हूँ ताकि पूरा मास्क नरिशिंग हो जाए, उसकी वजह से फाइन लाइंस ना आए। इसको अच्छे से अपने फेस पर लगाना, आप ये वीडियो में भी देख सकते हो, इसको आपको अपवर्ड्स मोशन में लगाना है। कभी भी ऐसे क्ले मास्क डाउनवर्ड मोशन में नहीं लगाने चाहिए, ताकि अपवर्ड्स में आप जब लगाओगे वो जब सूखेगा आपकी स्किन को ऊपर की तरफ पुल करेगा, तो ये एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। तो इस मास्क को थोड़ी देर रख सकते हो, अगर आप और ज्यादा देर के लिए रखना चाहते हो प्लीज अपने पास एक स्प्रे रखो रोज वाटर का। जैसे आपको लगे ना बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, फटाफट रोज वाटर स्प्रे कर लो ताकि वो इतना ज्यादा टाइट आपके फेस पर ना हो, एंड देन यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ। अच्छे से वॉश कर सकते हो और फिर आप अपना कोई भी फेवरेट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो, एक मॉइस्चराइजर, टोनर, सनस्क्रीन ऑफ कोर्स। ये था मेरा सुपर इजी एट होम ग्लोइंग फेस पैक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर केयर, बिकॉज फेस्टिव और वेडिंग सीजन में ना हमारे बाल जल जाते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर हमारे बाल इतने डैमेज हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम चंपी ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बट मेक श्योर आप चंपी ओवरनाइट के लिए ना करो या फिर ऑयल लगा के बालों में छोड़ा मत करो, वो और ज्यादा आपके बालों को वीक कर देगा। मैं चंपी की बजाय क्या करती हूँ, मैं पूरा अपना एक डीआईवाई हेयर मास्क बनाती हूँ। सो मैं आपको दो ऑप्शन देने वाली हूँ, एक तो DIY हेयर मास्क और एक बाजार वाला रूटीन जो आप ऑफ कोर्स मार्केट से प्रोडक्ट्स लेके कर सकते हो। सबसे पहले DIY हेयर मास्क की बात करते हैं, तो मेरे DIY हेयर मास्क के लिए मैं लेती हूँ पाउडर मिक्स, जो आपको Amazon पे इजीली मिल जाएगा, मैं खुद भी Amazon से ऑर्डर करती हूँ। दिस इज आमला रीठा शिका का एक पाउडर मिक्स, इसके अंदर सारे हर्ब्स होते हैं, इसका मिक्स आता है। उसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ी सी दही, अगर दही हल्की सी खट्टी है तो और अच्छा होगा बिकॉज वो और अच्छा एंटी बैक्टीरियल बेसिकली एजेंट का काम करता है, डैंड्रफ को हटाने में हेल्प करता है। दही लेती हूँ, उसमें काफी बार मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल या फिर हनी भी मिक्स कर लेती हूँ, या फिर आप कोई भी उसमें सीजनल ऑयल डाल सकते हो, लाइक गर्मियां चल रही है तो कोकोनट ऑयल डाल दिया, सर्दियां चल रही है थोड़ा सा आमंड ऑयल डाल दिया। अगर आप एग अप्लाई करते हो तो एग तो और ही अच्छा है, लेकिन मैं एग के बिना वाला आपको हेयर मास्क बता रही हूँ। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके, आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हो, मैंने पूरी एक रील भी बनाई हुई है इस पर, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके मैं फिर लगाती हूँ अपने बालों पर। इसको आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हो, और आप इसको सुबह सुबह लगा लो और एक दो घंटे इसको छोड़ दो, ज्यादा लाइक एक घंटा आई वुड से छोड़ना चाहिए, ताकि जितने भी उसके अंदर अच्छे
अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से आपके बालों में इन्फ्यूज हो जाएं, और उसके बाद आप ना नॉर्मली शैम्पू कंडीशनर वाला रूटीन फॉलो कर सकते हो। ये तो था मेरा देसी हेयर मास्क, लेकिन काफी बार इतना टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी वाला हेयर केयर रूटीन करना होता है, लेकिन वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इफेक्टिव हेयर केयर रूटीन, जिसमें सबसे पहले आता है एक अच्छा शैम्पू। फॉर शैम्पू आई हैव अ रिकमेंडेशन फ्रॉम इंस्टेंट वेदा, दिस इज अ रियली नाइस शैम्पू, मैं आजकल खुद ये यूज कर रही हूँ। ये है इनका टी वाटर हेयर शैम्पू, इसके अंदर है वाइटामिन ई एंड आर्गन ऑयल, ये क्रुएल्टी फ्री है, फॉरेस्ट बेस्ड, दिस इज डर्मा टेस्टेड एज वेल, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री एंड वीगन। ये काफी अच्छा शैम्पू है जो आपके बालों को नरिशमेंट भी देता है, काफी अच्छा इसमें फोम बनता है, बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लेंस भी कर देता है, और जो इसमें वाइटामिन ई और आर्गन ऑयल की नरिशमेंट है ना, वो काफी अच्छे से आपके बालों को नरिश्ड और सॉफ्ट और स्मूदर बना के रखती है। एज इंग्रीडियंट्स लाइक तुलसी, एलोवेरा, भृंगराज, नीम, वाइटामिन ई, आर्गन ऑयल, जो काफी अच्छा इसको एक नरिशमेंट बेस्ड शैम्पू बनाते हैं। ओवरऑल इसका इफेक्ट काफी नरिशिंग है बालों पे, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता सूखे सूखे मेरे बाल हो गए इसको वॉश ऑफ करने के बाद। तो अगर आप सिर्फ एक अच्छा नरिशिंग शैम्पू भी देख रहे हो ना, तो भी आप ये ले सकते हो, बिकॉज ये अपने आप में बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है। स्टेप नंबर टू इन माय हेयर केयर रूटीन इज आइदर अ गुड कंडीशनर और अ गुड हेयर मास्क। जिस दिन मैं लेट हो रही होती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं यूज करती हूँ एक अच्छा कंडीशनर। ये है इंस्टेंट वेदा का टी ट्री वाटर हेयर कंडीशनर, ये भी आर्गन ऑयल से इनरिच्ड है, काफी अच्छा आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बना देता है। थोड़ी सी हल्का सा अच्छे से स्प्रेड किया अपने बालों पे, वाटर स्क्वीज आउट करने के बाद उसके बाद वॉश ऑफ कर लिया एंड दैट्स इट। इसको ज्यादा अपने बालों पे रखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज कंडीशनर आप क्विकली भी वॉश ऑफ कर सकते हो। ओवरऑल आपके बालों को काफी नरिश बनाता है और हेल्दी बनाता है। बट सिंस हम एक प्रॉपर ग्लो अप की बात कर रहे हैं, फुल बॉडी ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, तो हेयर मास्किंग जितना टाइम अपने बालों को देना ही चाहिए। सो उसके लिए भी है मेरे पास एक अमेजिंग हेयर मास्क, है इंस्टेंट वेदा का टी ट्री वाटर हेयर मास्क। इसके अंदर भी काफी अच्छे इंग्रीडियंट है। ऑल्सो दिस हेयर मास्क इज सेफ फॉर योर स्कैल्प एज वेल, तो अगर आपकी स्कैल्प भी बहुत ज्यादा सूखी सूखी ड्राई रहती है, तो भी आप ये वाला हेयर मास्क अपनी स्कैल्प पे यूज कर सकते हो। ये नरिशमेंट देता है, हेयर रूट्स को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्री मेच्योर ग्रेइंग से भी बचाता है। ओवरऑल आई लव द क्वांटिटी, मैं इसको काफी बार यूज कर चुकी हूँ एंड यू कैन सी इसमें अभी अच्छी खासी क्वांटिटी है। मैं अच्छे से लेती हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो, लिया अच्छे से अपने बालों पे मसाज किया, मेक श्योर आप सारा एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट कर दो और फिर अपने बालों पे मसाज करो एंड थोड़ी देर उसको रखो। हेयर मास्क आप जितना देर रखोगे ना, उतना अच्छा होता है अपने बालों के लिए। मैं यूजली वॉशरूम में क्या करती हूँ, सबसे पहले शैम्पू, फिर हेयर मास्क करती हूँ, उसके बाद मैं लाइक सोप लगा लिया, बॉडी स्क्रबिंग कर ली, फुल बॉडी स्क्रबिंग कर ली। उससे क्या होता है, हेयर मास्क थोड़ी देर आपके बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ विद कोल्ड वाटर। ओवरऑल इस हेयर मास्क का बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपके बालों को नरिशिंग भी बनाता है, ज्यादा सूखे सूखे फील नहीं होते, दे फील नाइस, सॉफ्ट एंड हेल्दी। द बेस्ट पार्ट इज द इंग्रीडियंट्स इन दिस हेयर मास्क। ये इकलौता ऐसा हेयर मास्क है जो मैंने अभी तक ट्राई किया है, जिसके अंदर बिल्कुल वो देसी वाले इंग्रीडियंट्स है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। लाइक इसके अंदर एलोवेरा है, नीम है, फेनुग्रीक है, एप्पल साइडर विनेगर, नारिका ऑयल, नारिकेला ऑयल, ऑलिव ऑयल, हनी है इसके अंदर, योगर्ट, मुल्तानी मिट्टी, वाइटामिन ई, वाइटामिन सी, कैरेट ऑयल, टी वाटर, बहुत अच्छे इंग्रीडियंट्स है इसके अंदर। लिटरली ऐसा लगता है मैं एक DIY हेयर मास्क यूज कर रही हूँ, जो काफी अच्छे से मेरे बालों को नरिशमेंट भी दे रहा है। फ्रेंडली ग्रैब इट, मैं सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक करना। सो वी आर डन विद आवर फेस एंड हेयर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फुट। हमारे पैर बेचारे ऐसे बॉडी ऑर्गन है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, देखते नहीं है, बट काफी लोग पता है आपको पैरों से ही जज करते हैं, और काफी बार जब हमारे पैर बहुत डर्टी होते हैं ना, हमें खुद अजीब लगता है कि आप प्रेजेंटेबल नहीं लगते, और जब आप सैलून में जाओगे वो पेडीक्योर के आपको 1,000, 1,500, 2,000, मतलब 1,000 तो आई थिंक मिनिमम है जो एक लोकल पार्लर चार्ज करता है। सो इससे अच्छा आप एक अच्छी मशीन ले लो घर पर, कितनी बार भी पेडिक्योर करो। सो उसके लिए मैं आपको एक अमेजिंग रिकमेंडेशन देने वाली हूँ, जो मैं खुद आजकल यूज भी कर रही हूँ एंड आई एम लविंग इट, नॉट जस्ट मी, माय होल फैमिली इज लविंग इट। दिस इज द अकैरो फुट स्पा मसाजर। ये एक तरह से स्पा एक्सपीरियंस है, घर पर बैठे बैठे आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। यूजली जब हम घर में पेडिक्योर करते हैं ना, पहले हम गर्म पानी लेके आते हैं, फिर एक क्यूमिक स्टोन लेके आते हैं, फिर कुछ रोलर लेके आते हैं, फिर पानी बार बार ठंडा हो जाता है, फिर उसको दोबारा गर्म करते हैं, काफी बार टेम्परेचर ऐसा होता है जो सेट नहीं बैठता, फिर उसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी डालते हैं, फिर गर्म पानी, मतलब बड़ी अनॉइंग हो जाती है वो सिचुएशन। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये फुट स्पा एट होम बाय अगारो। की बॉडी काफी अच्छी है, इसके साथ एक लिड भी आती है, तो जो आपका पूरा काम हो जाए आप इसको लिड ढक के अपने कहीं पे भी ड्राई प्लेस पे रख सकते हो। सो इसके अंदर आपको मिलते हैं काफी अच्छे टेम्परेचर सेटिंग, लाइक सबसे पहले ऑन ऑफ का बटन आपको मिलता है, फिर आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है। सो इस टब को आपको भरना है हाफ, आपको फुल नहीं भरना, आपको खाली हाफ इसको भरना है, उसके बाद आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम ये 45 डिग्री सेल्सियस जाता है, विच इज आई थिंक इन
इनफ, इससे ज़्यादा ऊपर तो आपके पैर ही जल जाएंगे. सो टेम्परेचर आपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपके क्या कम्फर्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो. मैंने आई थिंक 38-37 पे किया था एंड इट वॉज गुड इनफ फॉर मी. सबसे पहले आपको मिलता है एक स्पा का फंक्शन जिसके अंदर बबल फंक्शन है बेसिकली. सो मैं क्या करती हूँ, कोई भी बॉडी वॉश थोड़ा सा इसमें डाल सकती हूँ. अगर आपके पास कोई अच्छा एसेंशियल ऑयल है जो कामिंग सूदिंग सेंसेशन देता है, या फिर कोई भी ऐसा ऑयल है जो एसेंशियल ऑयल बेसिकली, नॉट दोस थिक वाले हेयर ऑयल, एसेंशियल ऑयल कह रही हूँ, 2-3 ड्रॉप्स डाले जिससे कामिंग सेंसेशन आपको मिलती है, आप वो डाल सकते हो. मैं तो बॉडी वॉश भी डाल देती हूँ. और जैसे आप इसमें स्पा फीचर ऑन करोगे ना, इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और इतने अच्छे इसमें झाग बन जाएंगे ना अपने आप, आपको मेहनत करनी नहीं है. सेकंड जो इसका बेस्ट इफेक्ट है वो है इसका मसाजर. सो इसमें रोलर मसाजर्स लगे हुए हैं. सो आप पैरों को रोल कर सकते हो आगे पीछे करके. आप यूज करोगे तो लिटरली आपको लगेगा कोई आपका वो एक्यूप्रेशर ऐसे कर रहा है. एंटर में इसमें दिया हुआ है प्यूमिक स्टोन, सो उसके ऊपर आप स्क्रबिंग भी कर सकते हो. आपका जो भी डेड स्किन है वो भी इजिली हट जाती है. हमेशा डेड स्किन वैसे भी गर्म पानी में पैर डिप करने के बाद ही निकालनी चाहिए, वो ज्यादा ईजी होती है. तो गर्म पानी में थोड़ी देर पैर रख के स्पा फंक्शन यूज करो, रोलर फंक्शन यूज करो, और लास्ट में फिर आप प्यूमिक स्टोन पर रब करके अपने सारे फुट की डेड स्किन सेल्स निकाल सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें एक वैल्व भी दिया हुआ है नीचे की तरफ. आप उसको खोलोगे, वॉशरूम में ले जाके सारा पानी वहां से निकल जाएगा. जस्ट मेक श्योर इसमें ऊपर से पानी वो निकालना जैसे आप नॉर्मल बकेट से निकालते हो, बिकॉज ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है, वो अगर गीला हो गया तो खराब हो सकता है. नीचे उन्होंने एक वैल्व दी हुई है, उसको खोलो, पानी अपने आप वहां से निकलना शुरू हो जाता है और फिर आप लिड रख के इसको रख सकते हो. जिन लोगों को भी पैरों में दर्द रहता है या फिर लगता है बहुत चल के आए हैं, थकावट फील होती है, या फिर एक गर्म पानी वाला एक अच्छा सा फुट स्पा चाहिए, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं पूरा फुट स्पा करने के बाद ना अच्छे से वाइप ऑफ करके फिर फुट मास्क भी लगा लेती हूँ. जैसे मैंने आपको ये मुल्तानी वाला मास्क बताया, आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल सकते हो, बिकॉज मैं फेस पे लेमन नहीं लगाती. मैं सेम वही मुल्तानी वाले मास्क में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके अपने पैरों पे लगा लेती हूँ एंड देन यू कैन जस्ट स्क्रब इट ऑफ. तो उससे क्या होता है, आपके पैरों की जितनी भी डेड स्किन होती है, जो टैनिंग होती है, वो काफी अच्छे से हट जाती है. मुझे पर्सनली ये अगारो का फुट स्पा मसाजर बहुत पसंद आ रहा है. इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी. मैंने खुद भी अमेजोन से परचेज किया था. सो जस्ट इन केस यू इंटरेस्टेड आप ले सकते हो. अमेजोन की तो अभी सेल भी आ रही है, तो काफी अच्छी डील पे आपको मिल जाएगा. एंड दिस इज समथिंग वन टाइम इन्वेस्टमेंट. पार्लर में हर बार 2-2 हजार रुपए देके पेडिक्योर कराने से अच्छा, स्पा कराने से अच्छा आप एक बार ये ले लो, आपका फुट स्पा लाइफ लॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसको केयर से रखोगे. सो दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय फ्रॉम माई साइड. नाउ वी आर लेफ्ट विद आवर बॉडी एंड हैंड्स. इनको कैसे भूल सकते हैं, फेस्टिव सीजन में हमारे हाथ तो सुंदर लगने ही चाहिए. बॉडी के लिए सबसे पहले बात की जाए, आप एक एट होम स्क्रब बना सकते हो. मैं कैसे बनाती हूँ, कॉफी ले लो, काफी सारे कॉफी के सैशेज भी आते हैं जो सस्ते पड़ते हैं, वो ली, आप उसको अपने रेगुलर बॉडी वॉश में मिक्स कर सकते हो. आपका रेगुलर बॉडी वॉश एक स्क्रब वॉश बन जाता है, उसमें फोम भी बनेगा और वो कॉफी की वजह से काफी अच्छे से आपकी डेड स्किन सेल्स भी निकल जाएंगे. और बॉडी वॉश में ना जो कॉफी होती है वो थोड़ी सी मेल्ट भी हो जाती है, तो इतनी ज्यादा हार्श फील नहीं होती. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मेक श्योर आप कॉफी को अच्छे से ग्राइंड कर लो, ज्यादा वो हार्श पार्टिकल फील नहीं होने चाहिए. बट बॉडी वॉश में मिक्स करके वो काफी जेंटल सूदिंग हो जाता है. कॉफी वैसे भी सेलुलाइट को रिमूव करती है, जो भी आपके बॉडी में सेलुलाइट की प्रॉब्लम है या जो भी डेड स्किन सेल्स उसको बहुत अच्छे से हटाती है. अगर आप ये DIY मास्क एंड ऑल में नहीं बिलीव करते तो मैं आपको एक केमिकल बेस्ड भी बता देती हूँ, विच इज अ गुड AHA BHA केमिकल पील. मार्केट में काफी सारे केमिकल पील आते हैं. डॉक्टर शेट्स का आता है, ऑर्डनरी का, दो OG फेमस केमिकल पील आता है जिसका मैंने पूरा एक डेडिकेटेड रिव्यू भी किया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो, वो भी काफी अच्छा है. डर्माको का एक बिगिनर पील भी आता है. सो अगर आप बिगिनर हो, आप हार्श वाला केमिकल पील नहीं यूज करना चाहते, आप डर्माको का बिगिनर पील भी यूज कर सकते हो. ये वाले केमिकल पील्स बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, टैनिंग को हटाता है, डेड स्किन को हटाता है, बिना कोई स्क्रबिंग हार्शली आपके बॉडी पे कोई रिएक्शन करे, सारी जो भी टैनिंग डेड स्किन होती है उसको हटा देता है. काफी इजी है, लगाया 10 मिनट बाद हटा देना है. इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा. केमिकल पील को 10 से 15 मिनट से ऊपर नहीं रखना, 10 मिनट मेरे हिसाब से मैक्स होना चाहिए. एंड देन आप उसको कोल्ड वाटर से हटा सकते हो. उसके बाद प्लीज कोई फैंसी फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट या फिर कोई केमिकल इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट मत लगाना, थोड़ा अपनी स्किन को रेस्ट देना. मैं एलोवेरा लगाना उसके बाद प्रेफर करती हूँ. सो केमिकल पील्स काफी अच्छे हैं. मैं खुद अपने हैंड्स पे केमिकल पील लगाना प्रेफर करती हूँ, जो हैंड्स पे टैनिंग होती है. थोड़ा बहुत AHA BHA पील लगाया है, ऐसे ही छोड़ दिया एंड देन आई जस्ट वॉश इट ऑफ. उसके बाद एक अच्छा नाइट क्रीम, हैंड क्रीम लगाया रात को और मैं सो गई. केमिकल पील रात को ही लगाया करो, इसको डे टाइम में कम यूज किया करो, बिकॉज अगर आप लगा के कहीं धूप में चले गए तो स्किन सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ सकती है. सो ये था मेरा फुल बॉडी ग्लो अप एट होम टिप्स एंड रेमेडीज. मैंने आपको घर वाली DIYs भी बता दिए, थोड़े मार्केट वाले प्रोडक्ट्स भी बता दिए. जितने प्रोडक्ट्स की मैंने इस वीडियो में बात करी है सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स चेक करना मत भूलना. काफी सारी चीजों पे सेल भी चल रही है, डील भी चल रही है, तो आपके थोड़े से बहुत पैसे भी बच जाएंगे. एंड इसके अलावा लेट मी नो कि आपको फेस्टिव या फिर वेडिंग रिलेटेड क्या कॉन्टेंट चाहिए, किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, कुछ और अगर आप चाहते हो जिसके बारे में बात करूँ, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. वेडिंग सीजन आने वाला है तो काफी सारा मैं वेडिंग कॉन्टेंट भी बनाऊंगी मेरी ब्राइड टू बीज के लिए. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. मेक श्योर यूर पार्ट ऑफ माई चैनल. सब्सक्राइब टू माई चैनल. यहाँ तक आके अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी. इसके अलावा मैं काफी सारे रिव्यूज अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी करती हूँ, सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल. आपको भर भर के वहाँ पे रिव्यूज देखने को मिलेंगे. मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी नीचे दे दूंगी, इट इज कशिका डॉट चौहान बाय द वे. आप सिंपली टाइप करके मुझे फॉलो कर सकते हो. सो मेक श्योर फॉलो मी देयर एज वेल. एंड या दैट इज इट फॉर डेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.